गुरुवार की दोपहर मुजफ्फरनगर मेरठ हाईवे पर मंसूरपुर के निकट स्थित हल्दीराम रेस्टोरेंट के बाहर से अज्ञात चोरों द्वारा एक कार का शीशा तोड़कर कार में रखे ज्वेलरी से भरे पर्स पर हाथ साफ कर दिया गया। चोरी के बाद पीड़ित परिवार देर शाम तक रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस कार्यवाही के इंतजार में खड़ा रहा, लेकिन देर शाम तक भी पुलिस द्वारा मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी, जिसके चलते पीड़ित परिवार में रेस्टोरेंट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर भी काफी रोष व्याप्त था, क्योंकि इस रेस्टोरेंट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी भी है, लेकिन इसके बावजूद भी बेखौफ चोर घटना को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब रहे। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के मूल निवासी धीरज सिंगल गुड़गांव में एक प्रतिष्ठित कंपनी के निदेशक पद पर कार्यरत है तथा अपने परिवार के साथ फरीदाबाद में निवास करते हैं। गुरुवार को धीरज अपने साले विजय व उसकी पत्नी भाग्या व बेटे आर्यन के साथ देहरादून से फरीदाबाद के लिए रवाना हुए थे। दोपहर के समय जब ये लोग मंसूरपुर के निकट हल्दीराम रेस्टोरेंट पर पहुंचे तो लंच के लिए रुक गए तथा अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रेस्टोरेंट के बाहर ही पार्क कर दिए। कुछ समय बाद जब परिवार खाना खाकर बाहर आया तो देखा कि अज्ञात चोरों द्वारा गाड़ी की पिछली खिड़की का शीशा तोड़कर पिछली सीट पर रखा सफेद रंग का एक लेडीज पर्स चोरी कर लिया गया है। पर्स में लगभग 13.5 लाख की ज्वेलरी के अलावा महिला व उसके बेटे के पासपोर्ट के साथ साथ अन्य कीमती सामान भी था। चोरी की घटना के बाद पीड़ित परिवार द्वारा रेस्टोरेंट प्रबंधन से भी इस विषय में संपर्क किया गया, लेकिन रेस्टोरेंट द्वारा न तो बाहर की ओर कोई सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया है और न ही कोई अन्य सुरक्षा व्यवस्था रेस्टोरेंट के बाहर की गई है, जिसके चलते पीड़ित परिवार को इस विषय में कोई मदद रेस्टोरेंट प्रबंधन से नहीं मिल सकी। इसके बाद पीड़ित परिवार द्वारा चोरी की सूचना मंसूरपुर थाना पुलिस को दी गई तथा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करते हुए मदद का आश्वासन तो पीड़ित परिवार को दिया गया, लेकिन घटना के विषय में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते पीड़ित परिवार देर शाम तक भी रेस्टोरेंट के बाहर ही पुलिस कार्यवाही के इंतजार में खड़ा रहा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित धीरज सिंगल ने बताया। धीरज सिंगल, ये गाड़ी से चोरी सामान बैग चोरी का मामला है। हम लोग देहरादून से आ रहे थे तकरीबन 3:20 के अराउंड, मैं, मेरा साला, मेरी उनकी वाइफ और उनका बेटा, हम लोग स्विफ्ट डिज़ायर में आ रहे थे। हम ये हल्दीराम पे खाना खाने के लिए रुके। अब देख लो इतना बड़ा ब्रांड है, हम अंदर गए 3:20 पे, शाम 4:30 बजे के करीब बाहर आए हैं और बाहर आके देखा है तो हमारी गाड़ी का पीछे वाला उल्टे हाथ का शीशा जो है वो टूटा हुआ है। उसमें से उनका एक हैंड वाइट कलर का हैंड बैग चला गया, जिसमें से हमारी कुछ 15 से 20 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, बाकी हमारे चश्मे, 2 बच्चों के और भाभी के पासपोर्ट थे दो, बाकी हमारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड थे और काफ़ी सामान था। आप ये देखो इतना बड़ा ब्रांड नेम है, यहाँ पे एक कैमरा नहीं और जो लगा हुआ है वहाँ पे उसका कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं। 6-7 गाड़ियाँ छोड़ के पुलिस चौकी है और हिम्मत देख लो पुलिस, क्या कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। एप्लीकेशन दे दी यार, अब खड़े हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पता चलेगा क्या होगा आगे की कार्रवाई का कैसे होगा। हम यहाँ पे खड़े हैं 4:30 बजे से, जब से शीशा टूटा है तब से बाहर ही खड़े हैं इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा कुछ आप समझ लो 270 ग्राम से 80 ग्राम के करीब हमारा सोना चला गया है, 15-16 लाख रुपए, बाकी हमारी 60-70 ग्राम चांदी थी, 2 हमारे पासपोर्ट थे भाभी बच्चों के, हमारे चश्मे थे, पावर बैंक थे और हमारा और छोटे मोटे जो रहते हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह के सामान, कोई बात नहीं वो सब थे उसमें, तो 15 से 20 लाख रुपए के करीब हमारा सामान था उस पर्स में, लेडीज हैंड बैग था वाइट कलर का। अब तक हमने एप्लीकेशन दी है, आके चक्कर लगा गए हैं, SHO थे देख रहे थे, फिर CO साहब आए हैं तो देख कर गए हैं, देख कह के तो गए हैं कि देखते हैं आगे कार्रवाई करेंगे, कैमरा वैमरा लगे हुए हैं, एक के पीछे उस पर भी लगा हुआ है पोल के ऊपर कैमरा, इस आई थिंक पूरे हाईवे पे है तो उससे कुछ तो पता चलना चाहिए, उम्मीद है। बाकी तो अभी एप्लीकेशन ही दी है, अभी इंतज़ार कर रहे हैं कब लिखेंगे, कब हमें उसका कन्फर्मेशन देंगे, बाकी आगे कार्रवाई का वही बताएंगे।